हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट के बारे में कि जब एक डीटी इंजीनियर ड्राइव टेस्ट करता है तो उसको स्क्रिप्ट के द्वारा ड्राइव कैसे करनी होती है और वो स्क्रिप्ट कैसे बनाता है, खुद से वो स्क्रिप्ट कैसे बना सकता है। तो आज मैं दो स्क्रिप्ट के बारे में बताऊँगा, एक CSFB स्क्रिप्ट और ATDT यानी अटैच टाइम और डिटैच टाइम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अटैच टाइम डिटैच टाइम की स्क्रिप्ट बना कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने दो वर्क स्पेस बनाए हुए हैं, नीचे एक 4G और 2G प्लस 3G। ठीक है, आपको एक वर्क स्पेस अलग से बना लेना है एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए। उसके लिए क्या करना है, आपको जहाँ एरो यहाँ पे लाना है, राइट क्लिक करनी है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है न्यू वर्क शीट। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू वर्क शीट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल में जाना है, कंट्रोल में जाके क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा सर्विस कंट्रोल डिजाइनर, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इसे क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज कर लेना है। ठीक, मैक्सिमाइज करने के बाद अगर आपको ATDT की स्क्रिप्ट बनानी है अटैच टाइम डिटैच टाइम की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंट्रोल फ्लो में जाना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कंट्रोल फ्लो। इसमें से आपको वाइल लूप सेलेक्ट करना होगा और जहाँ पे लिख रहा है ड्रॉप एक्टिविटीज हेयर, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना है। ये पकड़ यहाँ से पकड़ना कैसे, देखिए मैं इसे दोबारा वहीं ले जाता हूँ, लेफ्ट की दबा के रखनी है और इसे यहाँ से ऐसे एरो से ले जाना है और वहाँ पर ले जाके छोड़ देना है। देखिए ये लूप यहाँ पे लग गया है। ठीक, उसके बाद करना क्या है, आपको IP में जाना है, IP में नीचे जाना है, यहाँ पे देख रहे होंगे PS अटैच लिख रहा है यानी पैकेट स्विच अटैच, लेफ्ट की दबानी है, इसे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक, इतना करना है और ज़्यादा नहीं। इसके बाद फिर से हमें कंट्रोल फ्लो पे जाना होगा, इसे यहाँ से ऊपर कर देना है, फिर से कंट्रोल फ्लो पे जाना है, यहाँ से हमें वेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेट सेलेक्ट करना है और इसके नीचे ऐड कर देना है, इस वेट पर डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे आ रहा होगा राइट में, देखिए अब ड्यूरेशन लिख रहा है, इसमें 10 सेकंड फिल कर देना है, 10 सेकंड, देखिए मैंने 10 सेकंड फिल कर दिया है। इसके बाद फिर से मुझे दोबारा यहीं पे आना है, इससे यहाँ से बंद करना है, IP में जाना है। अब मुझे IP में सेलेक्ट करना है पैकेट डिटैच, अभी अटैच करा था, अभी क्या करना है डिटैच करना है, तो इसे यहाँ से लेफ्ट की दबा के पिक करना है और यहाँ पर ला के छोड़ देना है। ठीक, इतना करना है और कुछ नहीं। फिर से हमें वहीं पे कंट्रोल फ्लो में जाना है, किस लिए, वेट के लिए। कंट्रोल फ्लो में जाइए, यहाँ से फिर से वेट सेलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। अब इस वेट में क्या करना है, हमें 5 सेकंड का टाइम दे देना है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम देना है सिर्फ 5। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरर आ रहा है अभी इसमें। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये बता देगा एरर किस लिए शो कर रहा है। इटरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी इटरेशन आपको कितने टाइम्स अटेम्प्ट कराना है, ये स्क्रिप्ट कितने बार चलानी है, उसके लिए आता है। तो यहाँ पे राइट में देख रहे होंगे इटरेशन लिखा गया है, इस पर यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। आपको जितने भी टाइम्स ये स्क्रिप्ट रन करानी है उतने टाइम्स यहाँ पे बढ़ दीजिए, मैं 100 काउंट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ से एरर चला गया। उसके बाद मुझे वैलिडेट करानी होगी स्क्रिप्ट को कि हमारी स्क्रिप्ट सही बनी है या गलत है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्रिप्ट में जाना होगा, स्क्रिप्ट में जाने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्क्रिप्ट वैलिडेशन सक्सेस, यानी आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें कोई भी एरर नहीं है, इसे यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब आपका हैंडसेट देख रहे होंगे लेफ्ट में, यहाँ पे मैंने एक हैंडसेट कनेक्ट किया हुआ है, ये स्क्रिप्ट वैलिडेट तभी होगी जब आपका हैंडसेट कनेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इसे एक्टिव कर देना है हैंडसेट को। ठीक, एक्टिव कर दिया है। ठीक, इसके बाद स्क्रिप्ट को सेव कैसे करना है, ठीक, यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, सेव पर जाएंगे और करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट किसकी बनाई है मैंने, ATDT। ये स्क्रिप्ट पहले भी बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ATDT यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू। ठीक है, ATDT न्यू। ठीक, इतना नाम दे देना है इसे और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में देख रहे होंगे, अगर आपका ये फॉर्मेट ऊपर वाला सेलेक्ट रहेगा तो ये स्क्रिप्ट केवल इसी में एडिट हो सकती है, इसी से लैपटॉप में चल सकती है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं चल सकती है, नए लैपटॉप में नहीं चल सकती। तो इसके लिए आपको ये नीचे वाला सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त भी आपसे इस स्क्रिप्ट को मांगने लगे तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वो इसे
प्ले करके अपनी ड्राइव कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। ठीक, सेव कर देना है, वो हमारी स्क्रिप्ट क्या है, सेव हो गई है। ठीक, अब आपको करना क्या है, जैसे ड्राइव करते हैं आप किसी, जैसे आपको एक 4G की ड्राइव करनी है, कुछ भी करना है आपको, ATDT चेक करना है, तो उसके लिए आपने ये इस ओपन कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आप फिर से कंट्रोल में जाना है, कंट्रोल में जाइए, अब नीचे वाला देख रहे होंगे आप, सर्विस कंट्रोल मॉनिटर, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये टैब ओपन होगा। ठीक, ये टैब ओपन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ड्राइव करते हैं आपको यही खोलना होता है। ठीक, स्क्रिप्ट बनाएंगे वहाँ पर जहाँ मैंने बताया, और जब आप ड्राइव करेंगे ऐसे ही से कहीं पर विंडो को लगा लेंगे। ठीक, लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन स्क्रिप्ट, इस पे जाना है। अब मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी एक नई, यरी ATDT न्यू, ठीक है, इस नाम से बनाई थी, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये स्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे आई है नहीं आई कैसे पता चलेगा, ये जो प्ले का ऑप्शन होता है रन स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे एक्टिव नहीं था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ओके दबाना है। यहाँ पे देखिए ये स्क्रिप्ट क्या हो गया, रन हो गई है। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए ये स्क्रिप्ट रन हो गई है। अब इसकी समरी में जाइए आप, समरी में जैसे जाएंगे ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये स्क्रिप्ट रन हो रही है, देख लीजिए नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी, सक्सेस कितनी बार हो रही है, अबोर्ट कितनी बार हो रही है, फेल कितनी बार हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप ATDT की स्क्रिप्ट बना सकते हैं और अपनी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आप ATDT की स्क्रिप्ट बनाकर आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक विंडो और खोलनी होगी, जिसमें आपको अटैच टाइम और डिटैच टाइम देखना होगा। ठीक है, ये तो होगा कितने सक्सेस हुए, कितने फेल्ड हुए। ठीक है, उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन में जाना होगा, और सिग्नलिंग में जाने के बाद प्रेजेंटेशन में जाएंगे, फिर सिग्नलिंग में जाना है, और यहाँ पे देख रहे होंगे इवेंट ऑफ KPI टाइप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये न्यू विंडो आपके सामने खुल कर आएगी, इवेंट ऑफ KPI टाइप। ठीक है, इसे आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक, सेट करने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रिप्ट को रन कर देना है। जैसे ही आप रन करेंगे इस इवेंट ऑफ KPI टाइप विंडो में आपको टाइम शो करने लगेगा। देखिए मैं इसे रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, ये मैंने रन किया है। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है अटैच सेटअप टाइम 1281.1 मिली सेकेंड। इसके बाद डिटैच का भी टाइम दिखाया गया है, अटैच का भी टाइम दिखाया, देखिए डिटैच कितना हुआ, 17 मिली सेकेंड। फिर से अटैच आएगा। इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को रन करा के इसका अटैच टाइम और डिटैच टाइम देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेटर बोलता है कि 10 बार आप करके देखिए अटैच टाइम डिटैच टाइम कितना आ रहा है, 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार भी कहे, इस तरीके से आपको अपनी स्क्रिप्ट चला देनी है और सिर्फ यहाँ पे देखते जाना है, इस टाइम को लिख लेना है, कॉपी पे लिख लेना है और अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना है। ठीक है, इस तरीके से आप ATDT की स्क्रिप्ट बनाकर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।